देश इस वक्त कोरोना वायरस के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से भी लड़ रहा है। केरल मुंबई में ताऊते तूफान ने कहर बरपाया है। सोमवार को जब ताऊते तूफान मुंबई से गुजरा था, उस वक्त एक जहाज बार्ज P305 मुंबई हाई में फंस गया था। इस जहाज पर कुल 273 लोग सवार थे। अब इस जहाज के डूबने की खबर सामने आई है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 146 लोगों को तो बचा लिया गया, हालांकि जहाज में सवार बाकी 171 लोगों को लेकर अब भी जानकारी सामने नहीं आई है। जहाज को बचाने के लिए पहले से अलर्ट नौसेना ने पूरी कोशिश की। इसके रेस्क्यू के लिए INS कोची को रवाना किया, लेकिन हालात बहुत प्रतिकूल थे। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और तेज हवाएं चल रही थी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी। बाद में INS कोलकाता ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। चक्रवाती तूफान ताऊते के दौरान कल इंडियन नेवी को कुल 4 SOS कॉल आए थे। बार्ज P305 में कुल 273 लोग सवार थे। इसमें फंसे लोगों को बचाने के लिए INS कोची और INS कोलकाता युद्ध नौका के साथ दूसरी सपोर्ट वेल्स की मदद ली जा रही है। अभी तक 146 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन बार्ज पूरी तरह से डूब गया है।